औरैया जिले की कोतवाली अजीतमल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल पुलिस ने चोरी की घटना के 3 चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए 4.5 लाख जेवरात बरामद किए हैं। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम के पर्यवेक्षण में कोतवाली अजीतमल क्षेत्र में घटना को लेकर चोरों की घर पकड़ को लेकर SP के निर्देशन में अभियान चलाया गया। उसी के चलते पुलिस ने 2 शातिर चोरों और चोरी का माल खरीदने बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि हरिओम पांडे पुत्र शिव कुमार निवासी आर्यनगर अजीतमल जनपद औरैया के घर से अज्ञात चोरों के द्वारा सोने चांदी के जेवरात की चोरी उस वक्त की गई जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी और पीड़ित गृहस्वामी ने अपने जाने वालों के साथ घर पर पार्टी की थी। इसमें गृहस्वामी नशे में हो गया, उसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की थी। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बड़ा खुलासा किया है। वहीं पुलिस टीम को 25,000 का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। चौबीस चार 2024 को वादी हरिओम पांडे पुत्र शिव कुमार निवासी आर्यनगर थाना अजीतमल ने थाने पर सूचना दी थी कि इनके घर में सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए हैं। इस पर तत्काल CO अजीतमल और थानाध्यक्ष अजीतमल ने जाके गहनता से पूछताछ की तो पूरे घटनाक्रम की छानबीन और पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है उसका जांच पड़ताल करने पर 2 लोगों पर शक जाहिर किया गया। जिन लोगों के घर पे दबिश दी गई तो ये लोग अपने घर पे नहीं मिले। इसके बाद इन लोगों को ढूंढने के लिए मुखबिर मामूर किए गए। सूचना प्राप्त हुई 26 तारीख को सुबह 4:30 बजे त्रिवेणी गेस्ट हाउस के पास से लगभग 300 मीटर की दूरी पे अटसू की तरफ 2 अभियुक्त सौरभ पुत्र रिक्की मिश्रा जो आर्यनगर अजीतमल का ही रहने वाला है, अमरदीप उर्फ निशु पांडे ये भी आर्यनगर अजीतमल के ही रहने वाले हैं। ये दोनों लोग पूर्व से वादी के परिचित हैं। बताया जा रहा है कि 24 तारीख को इन सभी लोगों ने साथ में खाना पीना और पार्टी आदि की थी जिसमें इन लोगों ने सुनियोजित तरीके से जो वादी है उनको मदिरा का सेवन करा के उनको नशे की हालत में करके उनके घर में चोरी की। चोरी करने के बाद इनमें से कुछ सामान इन्होंने एक सुनार को बेच दिया। इस पूरी पूछताछ में जो गिरफ्तार अभियुक्त है इनकी निशानदेही पे इन सबके घर से इनके पास से अलग अलग जगहों से जो पूरा चोरी का सामान था 100% बरामद किया गया। इनके पूछताछ के आधार पे जो सुनार जो चोरी के सोने चांदी के सामान आभूषण है जिनको खरीदता बेचता है उसका नाम राम मोहन पुत्र नंद किशोर विद्यानगर बाबरपुर का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से भी चोरी के जो जेवरात हैं वो बरामद हुए। जो सामान बरामदगी की 100% हुई है इसमें CO अजीतमल के अंडर में जिस टीम ने काम किया है उसको 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जा रहा है।